हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में देखेंगे कि अगर कोई इसमें एसआईपी रिटर्न एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता तो 5 साल और 10 साल में उसको कितना रिटर्न मिलता, क्योंकि एक बैलेंस एडवांटेज फंड है तो नॉर्मली इस तरह के फंड बैलेंस फंड से लोअर रिस्क के होते हैं। तो अगर इस फंड के बारे में देखें तो ये आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का फंड है जो कि अप्रैल 2000 में लॉन्च हुआ था और इसका रिस्क ग्रेड एवरेज है, रिटर्न ग्रेड एवरेज है। जब से लॉन्च हुआ तब से 9.66% का रिटर्न दिया है, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रिटर्न नहीं है जब से लॉन्च हुआ तब से, लेकिन इसमें देखेंगे कि कैसे अलग अलग सालों में अलग अलग इसने रिटर्न दिया है एस आई पी पे। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 का है, लमसम एडिशनल 1000 का है और एस आई पी इसमें आप 1000 से कर सकते हैं और 1 साल के अंदर अगर पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, अदरवाइज कोई भी लोड नहीं लगेगा। अब जैसे इसका अगर अभी करंट एलोकेशन देखें तो कुछ पोर्शन इक्विटी में है 50% से कम और करीब 30% के आसपास इसका डेप्ट में है और इतना ही कैश या कैश इक्विवेलेंट जैसे आर्बिट्रेज वगैरह में है। तो ये क्योंकि इक्विटी में एक्सपोजर कम करके इसका रिस्क मैनेज करते हैं, जैसे कि अगर मार्केट गिरे तो फिर और इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा सकें। बट ये एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, ये डेप्ट ओरिएंटेड फंड नहीं है, क्योंकि इक्विटी और आर्बिट्रेज मिला के इक्विटी पोर्शन 65% से ज़्यादा ही होता है। तो अगर 5 साल के इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखें तो जनवरी 2000 से दिसंबर 2006 तक अगर देखते हैं तो इन 5 साल में इसने 60,000 के इन्वेस्टमेंट पे 1,18,000 का रिटर्न दिया, यानी कि 28% से ज़्यादा का रिटर्न, जो कि आउटस्टैंडिंग है। इस तरह जनवरी 2003 से दिसंबर 2007 में इसने 33.64% का रिटर्न दिया, ये भी आउटस्टैंडिंग रिटर्न है क्योंकि उस टाइम मार्केट बुल मार्केट था जैसे आजकल है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा था। इसके बाद जनवरी 2004 से दिसंबर 2008 में 5 साल में इसने निगेटिव में रिटर्न दिया -2.19, क्योंकि उस समय मार्केट क्रैश हो गया था, तो इसलिए रिटर्न निगेटिव आ गया है। इस तरह जनवरी 2005 से 2009 के बीच में इसने 12.78% का रिटर्न दिया। जनवरी 2006 से दिसंबर 2010 में इसने 13.27% का रिटर्न दिया, यानी कि अगर 60,000 लगाया तो 82,000 आपको रिटर्न मिलेगा। जनवरी 2007 से दिसंबर 2011 के बीच में अगर 5 साल के लिए एसआईपी की होती तो फिर 4.82% का रिटर्न देता है, ये एक अच्छा रिटर्न नहीं माना जाएगा। जनवरी 2008 से अगर एसआईपी स्टार्ट की होती दिसंबर 2012 में 5 साल में इसने 8.3% का रिटर्न दिया, ये भी ओके ठीक ठाक रिटर्न, लेकिन अच्छा रिटर्न नहीं है। जनवरी 2009 से अगर किसी ने स्टार्ट किया था एसआईपी दिसंबर 2013 में 5 साल पूरा होता तो उसको 7.67% का रिटर्न मिलता, ये भी एक अच्छा रिटर्न नहीं है, मतलब ठीक ठाक है लेकिन आपका जो एफडी में या फिक्स इनकम में जो रिटर्न मिलता उसके आसपास का ही रिटर्न है। इस तरह अगर किसी ने जनवरी 2010 में स्टार्ट किया था दिसंबर 2014 में 5 साल में उसके 60,000 के इन्वेस्टमेंट पे उसको 84,000 रिटर्न मिला, 13.93%, ये एक अच्छा रिटर्न, ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न है। जनवरी 2011 में अगर किसी ने किया होता तो दिसंबर 2015 में 5 साल में उसको 10.78% का रिटर्न मिलता, ये भी एक अच्छा रिटर्न है 11% के आसपास का। जनवरी 2012 में अगर किसी ने एसआईपी शुरू की होती तो दिसंबर 2016 में उसको 5 साल पूरा होने पे रिटर्न मिलता 13.91% का, ये भी 14% के आसपास का एक अच्छा रिटर्न है। इसी तरह जनवरी 2013 में अगर किसी ने स्टार्ट किया होता ऐसा भी दिसंबर 2017 में उसको 13.93% का रिटर्न मिलता, ये भी एक अच्छा रिटर्न है। तो आपने देखा कि अलग अलग टाइम पीरियड पे इसने अलग अलग रिटर्न दिया है। तो नॉर्मली इस तरह के फंड में हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उस हिसाब से फंड मैनेजर फंड को मैनेज करे, इक्विटी और डेप्ट का पोर्शन जो भी है वो उसको मैनेज कर करके, जिससे कि रिटर्न में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि निगेटिव में भी रिटर्न मिला है 2008 में और कई बार सिंगल डिजिट में भी रिटर्न मिला, तो ऐसा लगता है कि पास्ट में मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रही है, फंड मैनेजर को बहुत अच्छा मैनेज नहीं हुआ है।
बट अभी जो करंट एलोकेशन है उसके हिसाब से लग रहा है कि अभी फ्यूचर में ये थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकता है। अब 10 साल का रिटर्न देखते हैं, अगर किसी ने यानी 2002 में शुरू किया होता, तो दिसंबर 2011 में 10 साल पूरा होता, तो इन 10 साल में उसको 12% का रिटर्न मिलता, जो कि एक अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टाइम में। अगर जनवरी 2003 में शुरू किया होता तो दिसंबर 2012 में उसको 11.33% का रिटर्न मिलता, तो ये भी एक अच्छा रिटर्न है। जनवरी 2004 में अगर किसी ने शुरू किया होता, दिसंबर 2013 में उसके 10 साल कंप्लीट होते, उसको 8.99% का रिटर्न मिलता। तो ये ना बहुत अच्छा रिटर्न है ना बहुत खराब रिटर्न है, ये एक ठीक ठाक रिटर्न है 9% का। जनवरी 2005 में अगर किसी ने शुरू किया होता, दिसंबर 2014 में उसके 10 साल कंप्लीट होते, तो उसको 11.5% का रिटर्न मिलता, जो कि एक ठीक है अच्छा रिटर्न है। जनवरी 2006 में अगर किसी ने शुरू किया होता है SIP, दिसंबर 2015 में उसके 5 10 साल पूरे होते, तो उसको 9.35% का रिटर्न मिलता, ये भी एक तरह से ठीक ठाक रिटर्न है। जनवरी 2007 में अगर किसी ने SIP स्टार्ट की होती, दिसंबर 2016 में उसके 10 साल कंप्लीट होते, उसको 10.85% ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न, ये भी एक ठीक ठाक रिटर्न है। अगर जनवरी 2008 में किसी ने स्टार्ट किया होता, दिसंबर 2017 में उसके 10 साल कंप्लीट होते, उसको 11.87% यानी ऑलमोस्ट 12% के आसपास का रिटर्न मिलता, तो ये भी एक अच्छा रिटर्न है इस तरह के फंड के लिए। बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर 12% के आसपास का आपको रिटर्न मिल रहा है तो वो एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा, 12 से 15% के आसपास का अगर मिल जाता है आपको। तो अगर हम देखते हैं तो SIP अगर 5 साल के लिए इसमें की गई होती, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अलग अलग साल में, तो इसमें जो रिटर्न आया है वो 2.-2.19% से +33.64%, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है रिटर्न्स में। तो 5 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए पास्ट में तो ये एक अच्छा फंड नहीं रहा है, बट शायद अभी एसेट एलोकेशन देख के लगता है कि अभी फंड मैनेजर इसको अच्छे से हैंडल करेंगे, तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसी फ्लक्चुएशन ना हो। 10 साल के लिए देखें तो ऑलमोस्ट 9% से लेके 12% के बीच का रिटर्न है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, थोड़ा सा वोलेटाइल है। तो 10 साल के लिए एक ठीक ठाक, अगर लो रिस्क में फंड लेना है तो उसके लिए एक ठीक ठाक फंड है ये। तो 5 साल के लिए इसमें रिटर्न्स वोलेटाइल हो सकते हैं, तो उससे ज़्यादा का अगर टाइम पीरियड हो तो उसके लिए आप इसमें देख सकते हैं रिटर्न करने के लिए। बट आई थिंक अभी जो जिस हिसाब से इस फंड को मैनेज किया जा रहा है, तो पॉसिबल है कि फ्यूचर में आपको इतने ज़्यादा इसमें अप्स एंड डाउन्स ना देखने पड़े इसके रिटर्न में, और एक आपको ठीक ठाक कम फ्लक्चुएशन वाला रिटर्न इस फंड से मिल सकता है, अगर अभी आज की डेट में इसमें आप SIP स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।